एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। तो जी, आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ फॉक्स टेल की ये मैटिफाइंग सनस्क्रीन। नाउ सबसे पहले मैं इसकी बैक स्टोरी थोड़ी बताना चाहूँगी। तो फॉक्स टेल एज अ ब्रांड मैंने काफ़ी सुन रखा था, इधर उधर इंस्टाग्राम एड्स वगैरह में बहुत ज़्यादा दिख जाता है, बट कभी मैंने सोचा नहीं लेने का। मुझे लगा था बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड होगा, मतलब मैंने कभी प्राइजेस भी चेकआउट नहीं करे टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बस ऐसे ही सोच लिया। बट वन फाइन डे आई थॉट कि मतलब मेरे को सनस्क्रीन्स न्यू ट्राई करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपको बताया भी है मैं इतनी ज़्यादा ट्राई करती हूँ, मुझे क्योंकि उसका रिव्यू भी शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज आप लोग ही सबसे ज़्यादा यू नो डिमांड रखते हो सनस्क्रीन का रिव्यू का, तो इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ। नाउ वन फाइन डे मैंने अमेजोन खोला, मैंने चेक करा तो मुझे इसका प्राइस ठीक ठीक लगा, मतलब जिस प्राइस में मैं अपनी दूसरी सनस्क्रीन्स यूज़ कर रही हूँ उसी के लगभग, उसी के अराउंड मुझे इसका प्राइस लगा। तो मैंने सोचा चलो यार ट्राई करके देखते हैं। अब मैंने इसको इतना ज़्यादा ट्राई कर लिया, मतलब इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया कि अब मैं फाइनली इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आज का वीडियो में हम इसी सनस्क्रीन के बारे में बात करने वाले हैं, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। ओके जी, तो ये सनस्क्रीन ना एक आउटर पैकेजिंग में भी आती है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में, बट वो ना कहीं फिका गई है मुझसे, तो वो तो सैडली मैं नहीं रख पाई अपने साथ। एंड अगर इनर पैकेजिंग की बात करें, इनर पैकेजिंग इज़ लाइक दिस। नाउ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्लीक प्लास्टिक बॉटल एंड इट कम्स विद अ डिस्पेंसर लाइक दिस। तो ये एक पंप डिस्पेंसर है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा मेंशन करती हूँ अपनी हर वीडियो में कि पंप डिस्पेंसर्स मुझे बेस्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक भी होते हैं, कुछ मेस भी क्रिएट नहीं करते, प्रोडक्ट ज़्यादा वेस्टेज होता नहीं है। ट्यूब या टब के कंपैरिजन में मुझे ऐसी स्लीक बॉटल्स पसंद है विद लाइक दिस काइंड ऑफ पंप डिस्पेंसर। सो ये तो चलो अच्छी चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। सो प्राइस है इसकी 499 रुपीज़, लाइक 499 इज़ द MRP। 499 पे ही मैंने परचेज करा था और मैंने अमेजोन से परचेज करा था। हाउएवर अभी ये 476 रुपीज़ में मुझे दिख रहा है एंड यू गेट 50 ml ऑफ क्वान्टिटी विच इज़ नाइस, लाइक डिसेंट क्वान्टिटी है। सनस्क्रीन यूजअली इतनी ही क्वान्टिटी में आती है। ओके, तो अब अगर हम इसकी बात करें, इसमें आपको टू वेरिएंट्स मिल जाते हैं, एक मिलता है फॉर ऑयली स्किन और एक मिलता है फॉर ड्राई स्किन। सो मैंने ऑब्वियसली ऑयली स्किन वाला लिया बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन, और ये है इनकी मैटिफाइंग सनस्क्रीन, एक और आई थिंक इनकी शायद ग्लोई ड्यूई समथिंग आती है। सो मैंने तो ये वाली परचेज करी है। सो ये है इनकी कवर अप मैटिफाइंग सनस्क्रीन एंड इट कम्स विद SPF 70। यस गाइज, अभी तक मैंने जितनी भी सनस्क्रीन यूज़ करी आई थिंक मैंने हाइएस्ट SPF 50 ही यूज़ करा है, बट इसमें आपको SPF 70 मिल जाता है। नाउ जहाँ तक मैंने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि मतलब SPF 50 से ज़्यादा ही कुछ बेनिफिशियल नहीं होता है, लाइक 70 भी ऑलमोस्ट 50 जैसा ही वर्क करता है। सो वो थोड़ा एक कॉन्ट्रडिक्टिंग पॉइंट हो गया, बट अदरवाइज आई थिंक ठीक है, 70 भी हमें मिल रहा है तो उसमें हमारा कुछ फ़ायदा हमारा कुछ घाटा तो है नहीं। प्लस इसमें आपको PA 4 बार प्लस मिलता है, PA++++++, ठीक है। देन इट ऑल्सो सेज दैट इट प्रिवेंट्स टैनिंग। अभी टैनिंग पे गाइज मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज मुझे आज सच अभी तक टैनिंग हुई नहीं है, सो टैनिंग पे मैं तो कमेंट नहीं करूँ। देन दिस इज़ फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, ये भी चीज़ इस पर मैंशन है वेरी क्लियरली। एंड आउटर पैकेजिंग पे तो सारी डिटेल्स मैंशन होती है, इनर पे भी सब कुछ मैंशन है एंड लाइक एक्सपायरी डेट वगैरह भी मैंशन है। इसमें आपको 24 मंथ्स की शेल्फ लाइफ मिल जाती है विच इज़ अ गुड डिसेंट शेल्फ लाइफ। पूरे इन्ग्रीडियंट्स पीछे सब कुछ मैंशन है, हाउ टू यूज़ मैंशन है एंड एवरी पॉसिबल डिटेल जो कि हमें चाहिए होती है वो सब इस पर मैंशन है। तो जी, अब हम इसके टेक्सचर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो उससे पहले मेक श्योर दैट यू शेक इट वेल, क्योंकि होता है ना बहुत सी बार प्रोडक्ट बॉटम में जाके सेटल हो जाता है, तो आपको अच्छे से इसको शेक करना है। एंड दिस इज़ हाउ कुछ इस टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी है। बहुत ही ज़्यादा गाइस लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा लाइट वेट है, लाइक ऑयली स्किन के लिए बेस्ट 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 सनस्क्रीन है। क्योंकि सनस्क्रीन्स ना आजकल तो चलो बहुत अच्छी सनस्क्रीन आने लग गई है मार्केट में, बट पहले बहुत ही ज़्यादा हैवी ग्रीजी सनस्क्रीन्स आती थी, ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ रियली नाइस, ठीक है। एंड ये कुछ ऐसी फिनिश देती है एंड इट डज़ हैव अ फ्रेग्रेंस जो कि बिल्कुल ना के बराबर है और बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, जो कि मुझे अच्छी भी लगती, लाइक थोड़ी टैल्क टाइप की इसमें फ्रेग्रेंस है। आई एम नॉट श्योर इसमें टैल्क है कि नहीं, आई रियली होप कि ना ही हो, आई डोंट थिंक इसमें टैल्क है, बट हाँ इसकी फ्रेग्रेंस टैल्क जैसी है और इसमें लिखा भी हुआ है दैट दिस इज एलर्जन फ्रेग्रेंस फ्री। सो इसकी जो फ्रेग्रेंस है उससे आपको कुछ एलर्जी नहीं होगी। एंड ये आप देख सकते हो कि इतना मस्त सा इसने मैट सा फॉर्मूला दिया, एकदम मतलब एकदम मैट सा फिनिश देता है ये आपके फेस पे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम पाउडरी मैट कर देगा आपके फेस को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एक स्लाइट सा ग्लो भी आता है। अब देखो जिनके ऑयली स्किन है उनका डेफिनेट सी बात है कि उनका ऑयल प्रोडक्शन होता ही होता है, तो थोड़े टाइम के बाद ये थोड़ा थोड़ा
डूई सा लुक आ जाता है आपकी फेस पे, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल टू बी वेरी ऑनेस्ट. और मुझे पर्सनली ऐसा ही पसंद है कि मतलब मैं स्किन केयर यूज़ करूँ और उसी से मेरी स्किन ग्लोई मस्त लगने लगे. मुझे अलग से कुछ यू नो स्ट्रोक क्रीम वगैरह वगैरह लगाना ऐसे डेली बेसिस में पसंद नहीं है. सो ये वो चीज़ फुलफ़िल करती है. और इसके साथ ना मैं अपना एक्वालॉजिका का मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, दैट ऑल्सो वर्क्स रियली वेल. आई थिंक उसका रिव्यू भी आ चुका होगा या आने वाला होगा, वो भी अभी न्यू लॉन्च है. तो इसका जो यू नो फिनिश है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इनिशियली ये थोड़ा सा वाइट कास्ट देता है लाइक जस्ट फॉर 1 or 2 seconds, बट ये बहुत ही ईजिली स्किन में ब्लेंड आउट हो जाती है. एंड ब्लेंड आउट होने के बाद दिस गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैट डूई फिनिश जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है. तो जी अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैट फिनिश देता है तो क्या ये स्किन को ड्राई आउट भी कर देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता है, बिकॉज इसमें है विटामिन ई और विटामिन B5 जो कि स्किन को हाइड्रेटेड एंड नरिश्ड रखते हैं, जबकि इवन दो योर स्किन इज मैट. एंड बाय द वे गाइस, दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू है, ओके? ये तो ऐसा मत समझना इतनी तारीफें कर रही है तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है. जी नहीं, ये मैंने खुद के पैसों से परचेज करा था और ये एकदम ही जेन्युइन एंड ऑनेस्ट रिव्यू है. एंड गाइज, इसमें ना नियासिनमाइड भी है. सो नियासिनमाइड क्या करता है, हमारे स्किन में से पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स को, इन सब चीज़ों को थोड़ा यू नो डलनेस को रिमूव करने में हेल्प करता है. सो दैट इज़ रियली नाइस. विटामिन ई और विटामिन B5 है जो कि अगेन स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंड ये सारी चीज़ें. और ये स्किन को ना काफ़ी स्किन टेक्स्चर को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी करता है. मेरी स्किन टेक्स्चर काफ़ी ज़्यादा पर्सनली इंप्रूव हुआ है इसको यूज़ करने के बाद. और जो एक प्रॉब्लम होती है ना हमारी ग्रीजीनेस की, ऑयलीनेस की, वो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है. तो वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है. मतलब मुझे सनस्क्रीन एकदम ही लाइट पसंद है, बिल्कुल ग्रीजीनेस, ऑयलीनेस, हैवीनेस नहीं होनी चाहिए. भले ही वो ड्यूवीनेस प्रोवाइड करे बट वो ऑयलीनेस उसमें नहीं होने चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो ये सनस्क्रीन वही चीज़ करती है कि ये ड्यूवीनेस तो प्रोवाइड करती है बट नॉट इन अ ऑयली वे. ऑयल फ्री फॉर्मूला में ड्यूई फिनिश आती है इसको यूज़ करने के बाद. ऑल्सो गाइज, इसमें आपको मिल जाता है 6 से 6.5 का pH जो कि एक आइडियल pH बैलेंस है हमारी स्किन को लेके. प्लस दिस सनस्क्रीन इज ऑल्सो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, क्रूल्टी फ्री एंड वीगन. तो जी इसका एप्लीकेशन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है. फेस वॉश करने के बाद, मॉइस्चराइजर लगा लेने के बाद, लाइक सीरम लगाते हो तो वो भी लगा लो, उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगानी होती है. मैं पर्सनली 3-finger rule से ही सनस्क्रीन लगाना प्रेफर करती हूँ एंड दैट इज़ द बेस्ट वे. और इसको गाइज, ये पर्टिकुलर जो सनस्क्रीन है ना, इसको आपको 30 minutes बिफोर लगाना होता है, लाइक बिफोर स्टेपिंग आउट. और वैसे आप अगर घर में लगा रहे हो तो डेफिनेटली आप 2-finger rule भी लगा सकते हो एंड इट विल बी मोर देन इनफ, राइट? बट ऑब्वियसली गाइज, ये सनस्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत अच्छे से सूट हुई है, कुछ ब्रेकआउट नहीं हुआ ऐसे यूज़ करने के बाद. बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू डू अ पैच टेस्ट. आपको जिस भी एरिया में लगाना है उस एरिया में लगाओ, 24 आवर्स तक मॉनिटर करो. अगर कुछ आपको एलर्जी वगैरह होती है देन ऑफकोर्स यू हैव टू डिसकंटिन्यू यूजिंग इट, या फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ जाके रिकमेंड कर सकते. तो गाइज, ये सनस्क्रीन मैं रिकमेंड करूँगी कॉम्बिनेशन ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन टाइप्स को, उनके लिए बेस्ट है. और अगर आपकी ड्राई वगैरह स्किन है तो आप इनका दूसरा वेरियंट भी चेक कर सकते हैं. मैं सोच रही हूँ वो भी मैं ट्राई करके देखूँ, बट नॉट नाउ, थोड़ी टाइम बाद. बट आज के रिव्यू वीडियो के लिए गाइज इतना ही. आई होप कि ये रिव्यू वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपको पसंद आया. अगर आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू.